स्टार्ट करो। और नमस्कार, मैं शिव कुमार। आज हम आपको मैकेनिकल प्रेस के बारे में बताएंगे। खासकर ये जो ट्रेनिंग है ये ऑपरेटर की ट्रेनिंग है, और ऑपरेटर छोटी इंडस्ट्रियों में जाते हैं तो ज़्यादातर मैकेनिकल प्रेस उन्हें मिलती है। अब मैकेनिकल प्रेस की जो बारीकियां हैं, जो उनमें क्या क्या उन्हें ध्यान रखना है, ये हम अभी बताएंगे। हमारे पास एक मैकेनिकल मशीन है, और इस मशीन में हम इनके सबसे पहले सारे पुर्जे बताएंगे। इधर आ जाओ और तो ये मैकेनिकल प्रेस है, इसमें एक फ्लाईव्हील रहता है, मोटर, और ये बुल गियर बोलते हैं, और इसके पीछे एक पिनियन है। अब पिनियन इस कवर के अंदर है एक्चुअली, है ना। इस मशीन में ये असेंट्रिक शाफ्ट है, इस असेंट्रिक शाफ्ट में यहाँ से ये बोल्ट लूज करके इसके स्ट्रोक लेंथ को कम या ज़्यादा करा जा सकता है। अब कम ज़्यादा जब करते हैं तो जो ब्लैंकिंग टूल हैं, तो ब्लैंकिंग में जितनी कम चल रखेंगे, यानी कि जितना स्ट्रोक लेंथ हम कम रखेंगे, उतना ही ज़्यादा फायदा है। फायदा इसलिए है कि पर मिनट नंबर ऑफ स्ट्रोक SPM उसका ज़्यादा निकलेगा, और जो ड्रॉ और बड़े पार्ट हैं जिनमें गहराई ज़्यादा होती है, उसको उसके उस कंडीशन में हम इसको स्ट्रोक लेंथ को बढ़ा लेते हैं। तो हमारा पर्पज ये है कि जो स्ट्रीट से, घर से पहली बार जो ऑपरेटर्स, जो लड़के काम करने आते हैं, इनको ये पता नहीं होता है कि इसमें हमें ध्यान क्या क्या रखना है, हमें कैसे चलाना है, तो वो डायरेक्ट आके चलाने लगते हैं, और कहीं ना कहीं जो है उसमें कई बार चोट भी लगा लेते हैं, तो वो आगे से ना लगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान और सावधानियां रखनी हैं, वो हमारा पर्पज़ है बताने का। तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स हैं, ये बड़ा ध्यान से देखें, ये मैकेनिकल प्रेस में पैडल होता है, ये इससे ऑपरेट होती है एक्चुअली। जैसे इसको दबाएंगे, ये पैडल है एक्चुअली, इसको जैसे ही दबाओगे आप तो ये रैम नीचे आएगा। आ जाओ, रैम नीचे आएगा, ऑपरेशन होगा। ये नीचे क्यों आएगा, क्योंकि मैकेनिकल प्रेस में पूरा चक्कर लगाने के एक साइकिल के बाद ही ये मशीन रुकेगी, ऐसा न्यूमेटिक में नहीं होता है। इसका कारण ये है कि ये जो है फुल रेवोल्यूशनरी क्लच के माध्यम से काम करती है। अभी ये जो आपको की दिख रही है, जैसे ही हम ये पैडल दबाएंगे, ये की नीचे हो जाती है। की दिखाओ जरा, ये जो ये की दिख रही है, ये ऊपर नीचे हो रही है, तो जैसे ही पैडल दबाएंगे तो ये रोटेट होगी, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मैकेनिकल पावर बोल लो या काइनेटिक एनर्जी, इसमें स्टोर हो जाती है थ्रू मोटर, और ये पीछे वाली शाफ्ट से इस पिनियन की मदद से ये बुल गियर इसको रैम को नीचे करता है। अब हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम मशीन चला रहे हैं, तो मशीन चलाते समय ये जो पिनियन है, ये कई बार जो है छोटी हो जाती है, घिस जाती है, तो अगर ये ज़्यादा देर तक हम दबाए रहे तो ये दोबारा रोटेट कर जाएगी। अगर हम इस पैडल को ऐसे दबाए रखेंगे तो ये लगातार चल जाएगी, और लगातार चलने पे कई बार हमें धोखा हो जाता है। तो ऑपरेटरों को बहुत ध्यान रखना है कि हमें एक बार ही दबाना है पैडल को, और जब तक मशीन ऊपर ना खड़ी हो जाए, यानी कि ये जो रैम है नीचे से आके एक बार ऊपर ना खड़ी हो जाए, उससे पहले उसको हाथ नहीं डालना है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या होता है, किसी भी मैकेनिकल प्रेस में हम फोटो सेंसर नहीं लगा सकते। उसका कारण ये है कि इसमें प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, किसी मैकेनिकल प्रेस में नहीं होता है। तो इसमें सावधानी हमें ज़्यादा रखनी है, और जो भी ऑपरेटर मशीन जब चलाता है तो उसे ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, कि किसी भी मशीन को ऑपरेट करने से पहले हम उसे उसके बारे में कुछ जान लें। आए और लग गए मशीन में, पता नहीं मशीन कैसे बिहेव कर रही है, क्या कैसे क्या होता है। हम बाइक चलाते हैं, हमें गियर का पता नहीं है, क्लच का पता नहीं है, ब्रेक का पता नहीं है, पर थोड़ी दो एक चीज़ें पता चली और हम चलाने लगे, तो हमें बाइक चला तो लेंगे,
लेकिन कब कहाँ कैसे रोकना है, कितना स्पीड में चलाना है, क्या ट्रैफिक के नियम है, वो नहीं जानेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बाइक का ड्राइवर भी एक ऑपरेटर है, ऐसे ही मशीन चलाने वाला भी ड्राइवर है। उस ड्राइवर को ये पता होना चाहिए कि हमारी मशीन कहाँ से और कैसे चलती है, कहाँ हमें तेल डालने की जरूरत होती है। अब ये जो रैम है, ये जो बॉक्स टाइप के स्लाइडर है, इनमें तेल डालना जरूरी होता है। अगर तेल ऐसे ना डालो तो पीछे एक पंप लगा हुआ है ये, तो जब भी ऑपरेटर आए तो कम से कम अपनी मशीन को देखे और इसको ना पंप ऐसे चलाएगा मैनुअली। अब ये पंप क्या करेगा, ये जो कैपिलरी गई हैं ये रैम तक गई हैं यहाँ तक। अब ये रैमों के अंदर जो ये बी ब्लॉक हैं इनमें ये लुब्रिकेशन चला जाता है, जहाँ जहाँ पे कैपिलरीज गई हैं, जहाँ जहाँ पे मशीन को ज़रूरत है तेल की, वहाँ को इस पंप के थ्रू चली जाती। तो ऑपरेटर को क्या चाहिए, आएगा मशीन को साफ करेगा, मशीन को पहले तो बिना जाने कोई भी ऑपरेटर ना चलाए। अगर किसी को नहीं पता है और आके जी मैं ऑपरेटर बन गया तो ऐसा बड़ा गलत है। और हमारा जो पर्पज़ है वो सिखाने का है, बताने का है ऑपरेटरों को कि कैसे करके क्या क्या ध्यान रखना है। मशीन को अपनी को साफ रखनी है, हमें ये लुब्रिकेशन जो है इसको इसके थ्रू हमें लुब्रिकेशन करना है एक बार, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें किस की पे रखना है कि जब भी हम ये दबाते हैं तो जो इसका स्प्रिंग है ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका ठीक काम करना बहुत ज़रूरी है कि अगर धोखे से भी ये की नीचे रह गई, अगर ये नीचे रह जाती है तो ये रिपीट स्ट्रोक लगा देगी और रिपीट स्ट्रोक में कई बार जो है फेटल एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो ऐसी घटनाएं ना हो इसलिए हम आपको बार 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 वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं कि चीज़ें जो हैं स्किल्ड होने के बाद अगर चलाई जाती हैं या कोई भी ऑपरेटर है सीखने के बाद चलाएगा तो कभी कोई नुकसान उसको नहीं होगा। अब ये काम कैसे करती है इसका बेसिक प्रिंसिपल भी मैं बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें ये सारा मैकेनिकल प्रोविजन होता है, मैकेनिज्म होता है। अब जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो मैकेनिकल पावर जनरेट करती है। अब वो मैकेनिकल पावर जो होती है ये जो फ्लाई व्हील है उसे स्टोर करता है, ठीक है, इसे काइनेटिक पावर ही बोलो। अब ये जो रिवोल्यूशनरी या रोटरी पावर या मैकेनिकल पावर या काइनेटिक पावर, ये सारी जो रोटरी पावर होती है मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम लीनियर मोशन में, यानी कि सर्कुलर मोशन को हम लीनियर मोशन में चेंज करते हैं। अब लीनियर मोशन क्या है वो हम अभी चला के दिखाएंगे, ठीक है। दीपक सर थोड़ा सा स्टार्ट करना, जैसा बोला। अब देखो ये मशीन स्टार्ट हो गई है, ये हमारी मोटर है, ये फ्लाई व्हील है और फ्लाई व्हील के पीछे जो सीधी शाफ्ट रही है और वो एक पीछे इसकी पिनियन लगी है, छोटी सी पिनियन। मैं पिनियन भी दिखा देता हूँ, पिनियन ना कैमरे जस्ट पिनियन दिखा दो पीछे से, लेकिन ना ठीक है पीछे से का व्यू ले लो अच्छा लगा। अब इसका फंक्शन, ये जो फुल गियर है, अब फुल गियर अटैच होता है जैसे ही हमने एक पैडल हम दबाते हैं, जैसे ही हमने इसको दबाया, अब ये जो की है वो उसके क्रॉस चली जाती है फ्लाईव्हील में जो यहाँ पे क्लच लगा हुआ है। तो ये जो पिन है ये क्लच को डिसंगेज कर देती है, ब्रेक को क्या। अब जैसे ही इसको दबाने से हमारा ब्रेक खुला, क्लच लगी और ये 360 डिग्री घूम गया। अब ये जो सेक्शन है ये हमारी असेंट्रिक रॉड है, असेंट्रिक रॉड ये है और ये कनेक्टिंग रॉड है, इसको कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। ये हिस्सा जो है ये जो मूव कर रहा है, ये हिस्सा जो है रैम है जो लीनियर मोशन में चलता है। अब ये रोटरी मोशन में चल रहा है मैकेनिकल पावर में। अब यहाँ पे असेंट्रिक शाफ्ट के थ्रू ये जो है लीनियर मोशन में चेंज हो गया, और लीनियर मोशन ही हमें सारी प्रेशरों में लीनियर मोशन ही चाहिए, चाहे वो हाइड्रोलिक हो या मैकेनिकल हो या न्यूमेटिक हो। हमने ये वाली जो हैमिंग होती है, सपोज करो एक लोहार है, लोहार क्या करता है, लोहार जो है उसको लोहे को गर्म करके और उसको ऐसे ठोके ठोके ठोकता है, वो भी लीनियर मोशन ही है। अब वो उसको ज़्यादा एक्यूरेसी से ठोकना ये संभव केवल प्रेस से ही हो सकता है, और
ठंडे वो तो गर्म कर लेगा, गर्म करके पीट के चीज को शेप में लाता है। यहाँ हम डायरेक्ट पतली शीटों को डाई के माध्यम से शेप में लाते हैं। तो जरूरी चीज़ हर ऑपरेटर के लिए ये है कि यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी कट रोकता है, अब जब रुक जाए उसके बाद वो कोई पीस को निकालेगा, सीट को लगाएगा, वो ये भी चेक करेगा कि जो बोल्ट हैं ये सही से चेक हैं कि नहीं है। कोई भी ऑपरेटर आके पहले देखेगा ये बोल्ट जो है चेक टाइट है या नहीं है, लुब्रिकेशन है या नहीं है। ये ब्रेक वाला सेक्शन है, जब भी ये ऊपर जाती है तो ये ब्रेक वाली यूनिट है। ये यहाँ पे लेदर के ब्रेक लगे हुए हैं, ये ब्रेक है, ठीक है। तो अभी हमने ऑलमोस्ट बता दिया, और किसी भी ऑपरेटर भाई को अगर ऐसा लगता है कि हमें और कुछ भी सीखना है तो वो ज़रूरी है, मशीन कहाँ से बंद होती है ये भी ऑपरेटर को पता हो, या वहाँ पे जो भी सुपरवाइजर है उसको पता हो, मशीन का चालू कहाँ से होती है। अब तक ये बंद यहाँ से होती है, हमने ये बंद कर दिया, लेकिन ये मैकेनिकल प्रेस में क्या होता है कि मोटर बंद करने के बाद भी जब तक वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहेगी फ्लाईव्हील में, तब तक वो घूमेगी, मोटर बंद होगी लेकिन ये घूमेगी। अब भी हम अगर पैडल लगा देंगे, हमने मोटर बंद कर दी है, ड्रॉबैक इसका हमने ये अभी भी चल रही है, क्योंकि न्यूमेटिक और उसमें हाइड्रोलिक प्रेसों में ऐसा नहीं होता है। अब जब भी डाई उसको सेट करता है ना डाई सेटर, तब इसको धीरे धीरे चला के, अब ये जितना स्लो होता जाएगा इसकी 10-15% जब भी ये इंगेज होता है ब्रेक। अब देखो जब भी डाई सेट करते हैं ना इसी स्पीड से करते हैं भाई, आके रुक गई। ये क्यों रुक गई कि जो जब भी क्लच इंगेज हुई ना तो जो फ्लाईव्हील की एनर्जी थी वो मोटर बंद होने के बाद धीरे 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 कम होने लगी, तो फिर ये पूरा रोटेशन नहीं ले पाई। वो इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि जहाँ पे एनर्जी खत्म और ये ब्रेक लगी गए इसके। तो ये तो बिल्कुल जब डाई सेटअप मोड होता है, अब इसमें डाई सेटअप सेटिंग करना कठिन होता है, इसमें इसलिए कठिन होता है कि इसको धीरे से चलाना पड़ता है। अब जैसे चला दिया, अब ये ऊपर आ गई, अब हमने अगर तेजी से चला देंगे तो चलती रहेगी। अब हमें जब नीचे बैठानी है तो हम थोड़ा सा चला के थोड़ा सा बंद कर देते हैं, फिर हमने इसको कैसे आगे नीचे आ गई। अब ये यहाँ पे स्टेबल आउट की डीसी पे आ गई और बंद भी हो गई, ठीक है। तो डाई सेटिंग का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार मैकेनिकल पावर मैकेनिकल वाली मशीन पे हम और बताएंगे। तो मेरा फिर भी यही कहना है कि जितने ऑपरेटर भाई हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, और उनकी जो समस्या है, मेरा पर्पज यही है कि वो जो है धोखा से बचें, पहले सीखें, वीडियो के माध्यम से सीखें, ठीक है, ट्रेनिंग के माध्यम से सीखें, अपने साथी के माध्यम से सीखें जो उनके साथ का ऑपरेटर हो, कोई किसी के प्रेशर में आके जो है डायरेक्ट हमें मशीनें कहीं भी किसी भी उस पर प्रेशर में ऑपरेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।